हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड कॉल्स देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस ये शेयर के अंदर मैं 3 रुपये के पास इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टिप्स देता आ रहा हूं। आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इसमें अभी हमको एक अपर सर्किट देखने को मिला, इसकी वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, फिलहाल वॉल्यूम भी हाई है लेकिन उससे पहले और भी ज़्यादा थी। तो लोग अभी ऐसा पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसके हाई पर चल रहा है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया मार्केट के हिसाब से आप लोग इसके अंदर कुछ पैसा अपना कुछ परसेंट 20% अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। आने वाले समय में शेयर काफ़ी ऊपर जाएगा और आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न देगा। जो अभी इसके अंदर अपर सर्किट शो हो रहा है वो अपर सर्किट नहीं है, वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपको शेयर मिल जाएंगे। अपर सर्किट नहीं है ये, बल्कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन इसके अंदर आ रहे हैं सुबह से और भी फ्लक्चुएशन आते रहेंगे। बेटर टाइम टू इन्वेस्ट यही है अभी, होपफुली 10 रुपीज़ के ऊपर जाएगा और हमको अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जिसका बजट 10 हज़ार रुपये का है वो अपना 20% to 25% इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। बाकी और भी शेयर से मैं आपको बताता रहूँगा, चैनल पर बने रहिए, आपको यहाँ पर शेयर के लिए डिटेल्स मिलती रहेंगी। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी वहाँ पर भी सॉर्ट आउट करूँगा। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ ऐसे ही आती ही रहे।